हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी सिंह. वेलकम टू माय चैनल. एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिफरेंट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट फेस वॉश. इसके पहले मैंने अपने चैनल पे कई फेस वॉश रिकमेंड किए थे आपको, बट वो उस टाइम पर मैं यूज़ कर रही थी, मैंने रिकमेंड कर दिया. बट ऐसा कोई सिंगल वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया था जिसमें मैंने सिंगल वीडियो में डिफरेंट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैंने आपको फेस वॉश रिकमेंड किया हो. सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करूँगी, मैं उसे अपने स्किन पर मैं ट्राई किया है, मैंने 2 से 3 महीने उसे यूज़ किए हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और बट फिर भी कोई भी नया प्रोडक्ट जब भी आप अप्लाई करें अपने स्किन पर, तो उसका एक पैच टेस्ट यहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट होती है. सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि डिफरेंट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट फेस वॉशेस आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं बेसिकली, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं. जो बिगिनर हैं, स्पेशली बिगिनर, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं इसे सेलेक्ट करूँ या नहीं, फिर वो ख़रीद लेते हैं, उनका पैसा अगेन बर्बाद हो जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ग्लो, प्लम और ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है. सो बेसिकली स्किन टाइप क्या है? स्किन टाइप जो होता है, ऑयली होता है, मीडियम होता है, ड्राई होता है, सेंसिटिव होता है. ऑयली स्किन जो कि मेरी है, ऑयली स्किन है और काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है इधर इधर चिन एरिया में, यहाँ सब मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है. और मुझे तो बिल्कुल भी एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो स्ट्रिक्टली ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बना हो. सो इसके पहले मैंने कई फेस वॉशेस यूज़ किए हैं, सब अच्छे थे, सबके अपने अपने बेनिफिट्स थे. और इस टाइम पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्नी प्रोन है तो आप कौन सा फेस वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट फेस वॉश है जो मेरा फेवरेट है, ये है प्लम का. ओके, सो ये प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश है, फाइट पिंपल्स कंट्रोल ऑयल विद ग्लाइकोलिक एसिड. सो ये 100 ml का है एंड ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है. ये मुझे बहुत पसंद है. मेरी स्किन क्योंकि ऑयली और एक्नी प्रोन है तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा सूट करता है मेरी स्किन को. आप पूरा ये ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है. एंड जब ये फेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया, देन मैंने एक फेस वॉश बाई किया जो कि मुझे ट्राई करना था आप सभी के लिए. एंड ये है डॉट एंड की का, ये सी डॉट एंड की का सी का कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश. एंड इसमें सैलिसिलिक एंड ग्रीन टी प्रेजेंट है. अगेन ये अगर आपकी स्किन मीडियम टू ऑयली है या फिर एक्नी प्रोन है तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है. लास्ट 15 डेज से मैं यूज़ कर रही हूँ. ये भी बहुत ही अच्छा फेस वॉश है फॉर एक्नी प्रोन एंड ऑयली स्किन. एंड जेंटल भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा मॉइस्चर लॉक आपका पूरा मॉइस्चर ड्रेन आउट कर दे, जेंटल भी है. तो ये दोनों फेस वॉश आप इसको दोनों फेस वॉश को आप ट्राई कर सकते हैं, ये डॉट एंड की का एंड ये जो है ये है अगेन प्लम का. दोनों अफोर्डेबल हैं, आपको एक राइट प्राइस में मिल जाएंगे. सो ये दोनों फेस वॉश जो है वो है ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए या फिर मीडियम टू ऑयली स्किन के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. और ये हो गया ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए. नेक्स्ट जो फेस वॉश है वो अगेन अगर आपकी स्किन, जैसा कि ये वाओ का है, मैंने इसको पहले भी अपने वीडियोस में मैंने आपको बताया था, इसको मैंने यूज़ किया था. सो ये जो फेस वॉश है ये है ग्रीन टी फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन अ फेस ब्रश फॉर डीप क्लेंजिंग. एंड ये भी ये सारे स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे ऑयली हो या फिर आपकी स्किन ड्राई हो, तीनों के लिए सेंसिटिव है. आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसको ये इधर से आप इस तरीके से पंप करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी स्किन को डीप क्लीन की ज़रूरत है, तब मैं इसे इस तरीके से करती हूँ. एंड अगर नॉर्मल डेज में आप इसको जस्ट पंप करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है. नेक्स्ट जो फेस वॉश है, जो कि मैंने इसके पहले इसका रिकमेंडेड वीडियो बनाया था कि इफ़ यू हैव अ वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि है
सिंपल का फेस वॉश, सिंपल का रिफ्रेशिंग फेसियल वॉश। एंड इसकी जो बेस्ट जो क्वालिटी है इसकी, ये 100% सो फ्री है, काइंड टू स्किन है। एंड इसमें कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम, कलर, जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ सच में नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि आप इसे जब अप्लाई करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप एलोवेरा अप्लाई कर रहे हो। उतना ही जेंटल, उतना ही सॉफ्ट, वैसी ही स्मेल, एंड आपकी स्किन को एक हद तक क्लीन भी कर देता है। तो हमें वही चाहिए, हमें सिर्फ अपनी स्किन को क्लीन करना होता है, उसके मॉइस्चर को ड्रेन बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा जो मोटिव होता है फेस वॉश का, वो ये होता है कि हमारी स्किन को क्लीन करे, जो भी उसमें डर्ट, डस्ट, ऑयल, इन सब चीज़ों को क्लीन करे, ना कि हमारे मॉइस्चर को पूरा एकदम निकाल दे। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट प्रेजेंट है मार्केट में, जब आपको पता है आप लगाते हो जैसे लगता है पूरा मतलब ड्राई कर देती स्किन, तो ऐसा फेस वॉश बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हमेशा हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करें, चाहे आपकी स्किन ड्राई, सेंसिटिव, कोई भी स्किन टाइप हो, हमें हमेशा हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये था, सो ये जितने भी फेस वॉशेज हैं मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये जो दोनों हैं, डॉट एंड की का और ये प्लम का, ये दोनों आपके मीडियम टू ऑयली स्किन के लिए जाएंगे, काफ़ी जेंटल हैं। ये जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये आपको जो है आपकी अगर स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो उसके लिए बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट फेस वॉश है। एंड या यही सारे फेस वॉशेस थे। मेरा मोटिव जो था वो ये था कि ना सिंगल वीडियो में डिफरेंट स्किन टाइप के लिए जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं अपने फेस पर वो मैं आपको बता सकूं। अगर आपको कोई पिकअप करना है तो आप इसमें से पिकअप कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोस्ट वीडियोज़। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।